दोस्तों, आज आप सभी के समक्ष हम पुनः हाजिर हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन गति विषयक नियम से संबंधित FBD लेकर के, फ्री बॉडी डायग्राम। दोस्तों, आप सभी का अध्ययन IAS एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मैं SK पांडे स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन का बेल अवश्य प्रेस करें। इससे आप सभी को इससे रिलेटेड, आपके अपने कंटेंट से रिलेटेड वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, फ्री बॉडी डायग्राम। FBD क्या है? बेसिकली अगर हम बात करते हैं FBD की, FBD इज कॉल्ड फ्री बॉडी डायग्राम। मतलब आपको कोई भी फोर्स, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर है तो उस ऑब्जेक्ट पर जनरली कितनी फोर्सेस लग रही हैं, किस डायरेक्शन में लग रही हैं, कितने एंगल पर लग रही हैं। कहने का मतलब हो गया कि आपको फोर्स को एंगल और डायरेक्शन के अकॉर्डिंग टर्म्स में दिखाना है और टोटल नंबर ऑफ फोर्सेस फाइंड करनी है। इसके बाद बॉडी के मोशन की स्टडी करनी है। वो आपका जो होता है फ्री बॉडी डायग्राम होता है। न्यूटन्स लॉ पर आधारित बहुत सारे प्रश्न हैं जिनमें हम FBD का यूज करते हैं। और अगर हम अपनी डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाना चाहते हैं, डिफिकल्टी लेवल बढ़ाने के बाद जो है हम फ्री बॉडी डायग्राम के कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हैं। तो जनरली आइए देखते हैं कि फ्री बॉडी डायग्राम क्या है। तो अगर हम बात करें, एक समतल तल की बात करें, समतल तल क्या है? जैसे मान लीजिए समतल तल, ये आपका एक समतल तल है, ये समतल तल है, और हमने यहाँ पे ये मान लिया है कि ये आपका क्या है कि फ्री ऑफ फ्रिक्शन लेस है। यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, अभी हम फ्रिक्शन के कॉन्सेप्ट का यूज नहीं कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे फ्रिक्शन के कॉन्सेप्ट का यूज नहीं कर रहे हैं और ये फ्रिक्शन लेस है, तो अगर हम इस हॉरिजॉन्टल तल पर, हॉरिजॉन्टल प्लेन पर एक, अगर हम यहाँ पर बॉक्स रख दें या ब्लॉक रख दें, तो अगर हम जनरली फ्री बॉडी डायग्राम्स की बात करते हैं तो यहाँ पर टोटल फोर्सेस क्या लगेगा? इसका वेट mg नीचे लगेगा और इसका नॉर्मल रिएक्शन आपका ऊपर लगेगा। नॉर्मल रिएक्शन को आप n से भी दिखा सकते हो, r से भी दिखा सकते हो। तो यहां पर टोटल फ्री बॉडी डायग्राम के अकॉर्डिंग इसमें टोटल जो नंबर ऑफ फोर्सेस लग रही हैं, दो फोर्सेस लग रही हैं। एक बॉडी का वेट लग रहा है जिसको हम w भी कहते हैं, और दूसरा एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। और बॉडी यहाँ पे मोशन में नहीं है, तो मोशन में नहीं होने की वजह से आपका आर माइनस एम जी इक्वल टू जीरो हो गया, तो आर इक्वल टू एम जी हो गया। कहने का मतलब हो गया, अगर कोई बॉडी एक समतल तल पर रखी हुई है, समतल तल पर रखने की वजह से उस पर जो है टोटल दो फोर्सेस लग रही हैं, दोनों फोर्सेस में आर इक्वल टू एम जी हो गया, तो कहने का मतलब बॉडी बैलेंस अवस्था में है, यहाँ पे कोई मोशन नहीं हो रहा, बॉडी रेस्ट में है, वी जीरो है, इसका भी यहां पर जीरो हो गया। अब अगर हम ये मान लें अपने सेकंड कॉन्सेप्ट का यूज करके, तो अगर हम मान लें यहां पर एक समतल तल है, इस पे एक ब्लॉक हमने रख दिया है, ब्लॉक को रखने के बाद जो इसका वेट है वो आपका नीचे लग रहा है, इसका नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा है, आपने एक फोर्स लगा दी एफ, जिस F की वैल्यू जो है वो आपकी यहाँ पे दे रखी है, कॉन्स्टेंट फोर्स है, ये फोर्स वेरिएबल नहीं है। हम यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम में जितने भी कॉन्सेप्ट स्टडी कर रहे हैं, इन सभी कॉन्सेप्ट में फोर्स एक कॉन्स्टेंट टर्म लिया गया है, फोर्स यहाँ पे वेरिएबल नहीं है। जैसा कि आप न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में जानते हैं, फोर्स जो है वो आपका वेरिएबल भी होता है और कॉन्स्टेंट भी होता है। अगर फोर्स कॉन्स्टेंट है तो कैसे हम उसको कैलकुलेट करेंगे उसके इफेक्ट को, और अगर फोर्स वेरिएबल है तो उसके इफेक्ट को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। दोनों कंडीशंस अलग अलग होती हैं, लेकिन हम यहाँ पर आपको कॉन्स्टेंट फोर्स स्टडी करा के बता रहे हैं। हम मान लें कि एक फोर्स आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगता है, जब ये फोर्स आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगेगा तो अब देखा जाए यहाँ पर टोटल आपके नंबर ऑफ फोर्सेस 3 हो गए अकॉर्डिंग टू फ्री बॉडी डायग्राम। और यहाँ पे बॉडी का जो मूवमेंट है एक कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन से हो रहा है, और जो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स दिखाया गया है, जब ये यहाँ पे फोर्स को हमने अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स दिखाया, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो नेट फोर्स है वो आपका फोर्स अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में हो गया, ठीक। और इस ब्लॉक का वर्टिकल या डाउनवर्ड डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा है, क्योंकि एक तल पे रखा हुआ है, एक प्लेन पे रखा हुआ है, एक समतल पे रखा हुआ है,
और हॉरिजॉन्टल, तो यहाँ पे जो फोर्स हॉरिजॉन्टल लग रही है, हॉरिजॉन्टल फोर्स की लगने की वजह से जो फोर्सेस आ रही है यहाँ पर, ये मोशन इसका अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स हो रहा है, तो आपका वर्टिकल डायरेक्शन में आर माइनस एम जी इक्वल टू जीरो है, आर इक्वल टू एम जी है, कहने मतलब हो गया कि वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स बैलेंस्ड है, मोशन नहीं होगा। लेकिन बॉडी चूंकि एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रही है और इसमें इसका जो मोशन है वो एक्सेलरेटेड मोशन है और उसकी जो वैल्यू है ये है वो यूनिफॉर्म है, तो अब यहाँ पे देखा जाए तो नेट फोर्स क्या है, एफ इक्वल टू एम ए, यहाँ पे जो है ये हो गया आपका। और अगर आप यहाँ पे निकालना चाहते हैं कि इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या है, तो आप फाइंड कर सकते हैं ए इक्वल टू एफ बाई एम। सो द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस बाय द ब्लॉक आफ्टर अप्लाइंग द फोर्सेस इज गिवन बाय ए इक्वल टू एफ बाई एम। तो ये दोस्तों आपका एक ब्लॉक का था, अगर कोई एक ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है तल पर, तो उस पे जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमने यहाँ पे निकाल कर बता दिया। लेकिन अब मान लें कि कनेक्टेड मोशन की बात करते हैं, तो कनेक्टेड मोशन क्या होता है कि अगर आपके दो ब्लॉक्स हों, दोनों ब्लॉक्स को आप स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दें और एक ब्लॉक पे आप अप्लाइड एक एक्सेलरेशन फोर्स लगाते हैं, तो उसी के कनेक्टेड मोशन की वजह से स्ट्रिंग से कनेक्ट है आप फोर्स एक बॉडी पे लगा रहे हैं, तो दोनों ब्लॉक्स मूव करेंगे और दोनों ब्लॉक्स में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उसकी वैल्यू सेम होगी, तो उसको हम कहते हैं कनेक्टेड मोशन। कनेक्टेड मोशन का मतलब हो गया, कनेक्टेड मोशन क्या है आप यहां से देखिए कि हाउ कैन वी रिजॉल्व द कनेक्टेड मोशन। कनेक्टेड मोशन कैसे बताएंगे आप यहां पर, इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं और वेरीफाई भी कर सकते हैं। कनेक्टेड मोशन, कनेक्टेड मोशन मींस मोशन ऑफ कंपोजिट ब्लॉक्स विद हेल्प ऑफ स्ट्रिंग। अगर आप बात करते हैं, ये एक फिक्शनल प्लेन है, यहाँ पे एक ब्लॉक ए है, दूसरा ब्लॉक ए है और तीसरा ब्लॉक हमने और यहाँ पे लगा दिया, ये आपके थ्री ब्लॉक्स हो गए और हमने यहाँ पर एक फोर्स लगा दी F, और इसका जो मास है वो M1 हो गया, इसका मास M2 हो गया, इसका मास M3 हो गया। यहाँ पे तीन ब्लॉक्स हैं और तीनों ब्लॉक्स को हमने स्ट्रिंग में कनेक्ट कर दिया है, तो ये तीनों ब्लॉक्स पे, और जब ये तीनों ब्लॉक मूव करेंगे तो तीनों ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन होगा ए, वो आपका यूनिफॉर्म होगा, एक्सेलरेशन इज द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। And if you are applying the force along the one direction, then what can you say? Tension will be opposite T and T, T and T. यहाँ पे string अलग अलग कनेक्टेड से T1, T1, T2, T2 हो गया। ये आपका free body diagram बन रहा है। यहाँ पे हम find करेंगे कि इन blocks में tension की value क्या है और ये तीनों blocks किस uniform, किस acceleration से move करेंगे। तो अगर हम इसकी अलग अलग तरीके से एक एक को रिजॉल्व करना स्टार्ट करें, तो मान लीजिए ये आपका पहला ब्लॉक है, इसको हमने ऐसे रखा, इस पर दिखाएंगे कितनी फोर्सेस लग रही है, इसका वेट आपका लगा एम वन जी डाउनवर्ड, इसका नॉर्मल रिएक्शन आपका ऊपर लग रहा है, अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन ये है और यहां पर ये आपका टेंशन लग रहा है टी। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर जो टोटल फोर्स लग रही है वो चार लग रही है। इस ब्लॉक का वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा, जिसकी वजह से आर, ये वाली फोर्स और इनकी वैल्यू इक्वल होगी और ये नेट कैंसिल आउट हो जाएंगे। कहने का मतलब हो गया यहां पर आर इक्वल टू एम जी हो जाएगा कैंसिल। लेकिन चूंकि ये तीनों ब्लॉक जो है फोर्स की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, तो यहां पर एक्सेलरेशन की वैल्यू है, तो एफ की वैल्यू जो है क्रिएटेड टेंशन से ज्यादा है। इसका ये मतलब हुआ Applied force F is greater than tension T1. So net force is along the direction of applied force. So F, तो यहाँ पे क्रोमेटिव ले रहे हैं, F minus T1 is equal to M1A. Means net force. यहाँ पर आपका जो है ये हो गया F equal to F minus T1 equal to M1A हो गया। ये आपका first equation हो गया। सिमिलरली अब हम बात करेंगे इस ब्लॉक का, ब्लॉक सेकंड का क्या फ्री बॉडी डायग्राम होगा, इसको आप देखिए। इसको हम देखेंगे तो ये मान लीजिए एक ब्लॉक है, इसका मास M2 है, एक फोर्स लग रही है M2G डाउनवर्ड, इसका नॉर्मल रिएक्शन R ऊपर लग रहा है और यहाँ पर देखेंगे कि इसको क्या खींच रहा है, T1 खींच रहा है यहाँ पर, और इसके अपोजिट क्या लग रहा है, T2 लग रहा है।
लेकिन ब्लॉक जो है ये M2 ये T1 की डायरेक्शन में एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। तो कहने का मतलब हो गया कि T1 ग्रेटर देन T2 होगा, तो T1 माइनस T2 इज इक्वल टू नेट फोर्स F होगा, तो T1 माइनस T2 इज इक्वल टू M2A हो जाएगा, जहां पे आपका नेट फोर्स है। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। सिमिलरली हम बात करेंगे ब्लॉक M3 की, ये आपका M3 है, यहां पर ये आपका हो गया, इसको कौन खींच रहा है भाई, T2 खींच रहा देती है, और इसके इधर कोई फोर्स नहीं है, और ये फोर्स आपका M3G है, ये नॉर्मल रिएक्शन R हो गया, और इसके बाद भी ये ब्लॉक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में R इक्वल टू M3G, नेट फोर्स कैंसिल, नो मोशन, बट ब्लॉक इज मूविंग हॉरिजॉन्टल, तो T2 माइनस, तो T2 इज इक्वल टू M3A। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे आपको 3 इक्वेशन बनाई फ्री कोऑर्डिनेट डायग्राम की, ये कनेक्टेड मोशंस है, यहाँ पे T2 इक्वल टू M3A हो गया, और ये आपका F माइनस T1 इक्वल टू M1A हो गया। आप यहाँ पे इन तीनों को सॉल्व करके अलग अलग तरीके से वैल्यू रख लेंगे, तो आपको जो है बाकी चीजें मिल जाएंगी। मैं यहाँ पे तीनों इक्वेशन लिख लेता हूँ, F माइनस T1 इज इक्वल टू M1A वन इक्वेशन, T2 माइनस T1 माइनस T2 इज इक्वल टू M2A सेकेंड, और थर्ड आपका ये है। इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम अलग अलग कंडीशंस में क्रिएट प्रोड्यूस्ड एक्सेलरेशन और टेंशन को फाइंड कर लेंगे। तो ये आपका यहाँ पर हमने इसको एक्सप्लेन किया फ्री बॉडी डायग्राम से। तो आइए देखते हैं, T2 की वैल्यू आप सेकेंड रख दीजिए, तो T2 माइनस T1 माइनस T2 वैल्यू ऑफ T2 M3A इज इक्वल टू M2A। तो यहां पे हो गया T1 इक्वल टू M2A प्लस M3A, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब जो है आप वहां पर T1 की वैल्यू इक्वेशन 4 में रख देंगे, तो F माइनस T1 की वैल्यू M2A प्लस M3A इज इक्वल टू M1A हो गया। F इक्वल टू हो गया M2A माइनस M3A इक्वल टू M1A हो गया। अब ट्रांसपोज कर देंगे दोस्तों, F इक्वल टू M1A M2A M3A, तो F इक्वल टू A कॉमन ले लेंगे, M1 प्लस M2 प्लस M3 हो जाएगा। A इक्वल टू F बाई M1 प्लस M2 प्लस M3। ये जो है आपका प्रोड्यूस्ड एक्सेलरेशन हो जाएगा, मतलब इस एक्सेलरेशन से, इस कॉमन एक्सेलरेशन से ब्लॉक जो है वो मूव करेगा। और टेंशन निकालने के लिए आप यहाँ पे टेंशन निकाल सकते हैं, अगर आपको M1 M2 पता हो ये तो वहां से निकालेंगे। जैसे मान लीजिए अब हम यहाँ पर एक अप्लाई कर देते हैं न्यूमेरिकल में, ये मान लीजिए एक ब्लॉक है 1 kg है, स्ट्रिंग से कनेक्ट है, ये 2 kg है, और यहां पर और एक कनेक्शन दे दिया गया, ये आपका 4 kg है, और आपने यहां पर एक 20 N का फोर्स लगाया, ठीक। तो ब्लॉक में प्रोड्यूस एक्सेलरेशन क्या होगा, A इज इक्वल टू F 20 N अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3, 1, 3, 4, 7, तो A इज इक्वल टू हो गया 7, 2, 14 एंड आगे 60, 7, 8, 66, 7, 5, 35, 8.25 m/s², ये हो गया प्रोड्यूस्ड एक्सेलरेशन, मतलब इस एक्सेलरेशन से ब्लॉक मूव करेगा। अगर आप बात करते हैं टेंशन की, आप निकाल सकते हैं T2 इज इक्वल टू M3 4 × 20/7, तो T2 इज इक्वल टू हो जाएगा 80/7 N। फिर आप निकाल सकते हैं T1 इज इक्वल टू T2 प्लस M2A, तो T1 इज इक्वल टू T2 की वैल्यू है 80/7 प्लस M2 है आपका 2 kg और A है 20/7। आप T1 इज इक्वल टू यहां पर सीधा सीधा मतलब है ये आप हो जाएगा आपका 120 upon 7 N, ये हो गया T1। और फिर अगर आपको T1 T2 दोनों टेंशन आ गई,
अप्लाइड फोर्स दे रखा है। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर प्लेन पर फ्री बॉडी डायग्राम का क्वेश्चन था, जो फ्रिक्शनलेस था, जिसे फ्रिक्शन नहीं था, और ये कनेक्टेड मोशन था जिससे बॉडी मूव कर रही थी। तो दोस्तों ये एक न्यूमेरिकल प्रैक्टिस है। हम ऐसे ही आपको और डिफरेंट काइंड्स पर, इंक्लाइंड प्लेन पर, रफ सरफेस पर, पुली सिस्टम, मल्टीपुली सिस्टम्स एंड वेल सिस्टम, कई सारी चीजों पर, कई सारे टॉपिक्स पर अलग अलग कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल्स बना के वीडियो अपलोड करते रहेंगे। और इसीलिए आपको मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे आपको आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड और अलग सब्जेक्ट से भी रिलेटेड नॉलेज मिलती रहे, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म पर आपको सारी चीजें एक साथ उपलब्ध हो सकती हैं। हिस्ट्री से लेकर के ज्योग्राफी तक, ज्योग्राफी से लेकर मैथ्स तक, साइंस तक सारी चीजें मिल सकती हैं। ये आपका एक एकेडमिक प्लस कॉम्पिटिटिव एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और हमारी खुद की वेबसाइट भी है। आप उस वेबसाइट पर भी जाके विजिट कर सकते हैं, www.adhyayanis.com, और हमारा प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन है अध्ययन आईएएस के नाम से, आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसकी एकेडमिक वेबसाइट भी बन गई है, उसको थोड़ा सा अपडेट करना है, इसके बाद वो पब्लिक के लिए ओपन हो जाएगी। आप वहां पर भी जाकर के फ्री कंटेंट्स को डाउनलोड स्टोर कर सकते हैं। तो एक तो आप सभी से हमारा अनुरोध है, सजेशन, ठीक है, अनुरोध है, और मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे आपको आपसे संबंधित ज्ञानवर्धन होता रहे। और हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।